Hi, I'm Dr. Gupta. I'm a board-certified plastic surgeon working in Delhi and doing cosmetic surgery practice with me and my team. Aaj hum baat karenge ki liposuction surgery se kitna weight loss ho sakta hai. बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि जी हमें लाइपोसक्शन कराना है, वेट लॉस करना है. सो लेट मी ब्रिंग दिस आउट टू एवरीवन टुडे, लाइपोसक्शन इज नॉट अ वेट लॉस सर्जरी. लाइपोसक्शन वेट लॉस के लिए नहीं किया जाता. लाइपोसक्शन इज अ बॉडी कंटूरिंग सर्जरी. बॉडी को शेप को अच्छे के लिए किया जाता है. वेट लॉस होता है बट थोड़ा कम. तो आइए जानिए कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि लाइपोसक्शन से बॉडी तो कंट्रोलिंग होती है बट वेट लॉस नहीं होता. सो इस वीडियो में मैं इस बात को बहुत ही क्लियर और सरल भाषा में समझाने वाला हूं. अगर आपको भी इस विषय पे कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए. मैं गारंटी से बोलता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि क्यों लाइपोसक्शन से वेट लॉस कम या नहीं के मुताबिक होता है और क्यों लाइपोसक्शन बहुत ही अच्छा एक प्रोसीजर है बॉडी कंट्रोलिंग के लिए. लाइपोसक्शन हम करते क्या है? जिस भी एरिया को कंट्रोल करना है हम छोटे छोटे छेद करते हैं 3 से 4 मिलीमीटर के. हम कुछ फ्लूइड डालते हैं जो फैट को मेल्ट करता है, वेसल्स को सुकुड़ता है ताकि ब्लीडिंग ना हो, और फिर उसके बाद हम फैट को सक आउट कर देते हैं. एट द एंड ऑफ सर्जरी आप देख सकते हैं कि कितना फैट निकाला, 2-3-4 मिलीमीटर. एंड यू सी एन इमीडिएट रिजल्ट ऑफ योर बॉडी शेप. ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि फैट निकलने के बाद स्किन श्रिंक करके पीछे मसल चिपक जाए, तो आपको एक कंप्रेशन गार्मेंट पहनाते हैं, आपके नाप का बनता है कॉटन लाइक्रा का, सो दैट द स्किन श्रिंक्स. सो ये तो हो गया क्लासिकल लाइपोसक्शन. लेट मी टेल यू, क्लासिकल लाइपोसक्शन नहीं करते हम, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं. टेक्नोलॉजीज यानी माइक्रोवेव विच इज अ पावर रेजिस्टेड लाइपोसक्शन टूल, वेजर यानी जो अल्ट्रासाउंड रेजिस्टेड लाइपोसक्शन टूल, और एक और है बॉडी टाइट, वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी असिस्टेड स्किन टाइटनिंग ड्यूरिंग द लाइपोसक्शन. So, 3 टूल्स है. इन 3 टूल्स का बेसिक फायदा क्या होता है? वो टिश्यू ट्रॉमा को कम करता है. अगर आप लाइपोसक्शन का वीडियो देखा हो तो सर सारे सर्जन इस तरह से फास्ट 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 कर रहे होते हैं. ये जो टेक्नोलॉजी है ये फैट को इमल्सिफाई और बहुत आसानी से सक आउट कर देती है, तो सर्जन को ऐसे ऐसा नहीं करना पड़ता. जेंटल हो जाता है सर्जरी, आपका रिकवरी अगर जेंटल हो जाएगा सर्जरी तो ऑब्वियसली रिकवरी फास्ट होगा, स्वेलिंग ब्रूजिंग कम होगा, पेन कम होगा, और आपकी बैक टू योर नॉर्मल लाइफ जल्दी आ जाएंगे. बेजर का एक और फायदा होता है कि वो फैट को बहुत अच्छे से मल्सिफाई करने के साथ साथ स्किन को हीट करता है, जिससे ताकि स्किन टाइट हो जाए, तो स्किन लटकती नहीं है. अगर किसी की ज्यादा एक्सेस स्किन लटकने का चांसेस है, पतली स्किन है और ऑलरेडी थोड़ी सी लटकी हुई है बट वो स्किन एक्सटेंशन सर्जरी नहीं चाहते हैं, तो हम उनमें रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन टाइटनिंग बाय बॉडी टाइट भी ऐड करते हैं. इन तीनों टेक्नोलॉजीज को मिश्रण करके जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही अलग लेवल का होता है, बहुत ही उमदा होता है. इनफैक्ट हमने एक टेक्निक को डिस्क्राइब भी किया होता है जिसको बोलते हैं प्योर बॉडी कंट्रोलिंग. पी फॉर पावर, यू फॉर अल्ट्रासाउंड, आर फॉर आरएफ इनहैंस्ड बॉडी कंट्रोलिंग. सो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इनको रिजल्ट कंबाइन करके रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आता है. आपकी बॉडी कंट्रोलिंग बहुत अच्छी होती है, आपकी शेप बहुत अच्छी आती है. मेल्स में हम 6-पैक एब्स दे सकते हैं, फीमेल्स में हमें कार ग्लास दे सकते हैं. सो ये सब चीजें हम बहुत ऑप्टिकली रेगुलरली करते हैं. सो शेप तो बहुत अच्छी आती है, शेप की बात हो. अब बात आती है कि वेट लॉस क्यों नहीं होता. जनाब देखिए, जितना भी हम फैट निकालते हैं, सपोज मैंने किसी के एब्डोमेन से आप मान लीजिए 5 लीटर फैट निकाला, ठीक है, 5 लीटर्स ऑफ फैट इज अ लॉट. अगर किसी की वेस्ट लाइन 36 है और हमने 5 लीटर निकाल दिया तो शायद उसकी 30 या 32 हो जाएगी, राइट? सो इट्स अ ह्यूज ह्यूज चेंज फ्रॉम 36 to 30-32. But 5 liters will just be around 2-2.5 kgs. Why? So please understand, go back to your school. अपने स्कूल के टाइम की बात करें अगर तो एक कंसेप्ट होता है स्पेसिफिक डेंसिटी. वॉल्यूम यानी लीटर, वेट यानी kgs पर अंतर होता है. पानी का स्पेसिफिक डेंसिटी अराउंड 1 होती है, तो जितना किलो पानी उतना ही लीटर, यानी 1 लीटर पानी का 1 किलो हुआ. दूध अगर आप जानते हो तो उसकी भी स्पेसिफिक डेंसिटी कम होती है 1 से, तो 1 लीटर दूध 1 किलो नहीं होता. ऐसे ही जो फैट है वो तो ऑयल है,
उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी तो कम होती है। हर बच्चा बच्चा भी जानता है ऑयल को आप पानी पे डालेंगे तो ऑयल तैरेगा बिकॉज इट इज लाइटर देन वाटर। दैट मीन्स 1 लीटर फैट 1 किलो नहीं होता। हर किसी का फर्क होता है। मोर मोटा माटी आप मान के चले कि अराउंड 500 ग्राम तक आप मान सकते हैं। सो यानी 5 लीटर फैट अराउंड 2 से 2.5 किलो ही होगा। So, आप कहेंगे सर वेस्ट लाइन तो इतना चेंज हो गया 36-30 बट वेट लॉस इतना ही हुआ। सो हाँ यही बात है, वेट लॉस के लिए आप बॉडी इंक्लूडिंग सर्जरी नहीं कराते। आप वेट लॉस के लिए अलग सर्जरी होती है, इनको बोलते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी। जिन लोगों का भी बीएमआई मोर देन 37.5 या 40 से ऊपर होता है हम उनमें वो रिकमेंड करते हैं। जो हम नहीं करते प्लास्टिक सर्जरी नहीं करते उसके लिए दूसरे डॉक्टर। लेकिन अगर बीएमआई आपका लेस देन 35 है, लेस देन 30 है, ओवरवेट कैटेगरी में है, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लाइपोसक्शन वेट लॉस सर्जरी नहीं है। हमारे पास क्वेरीज आती है कि सर मेरा 40 केजीज वेट है, 150 केजीज वेट है, 110 केजीज वेट है और मेरे को 30 किलो कम करना है, 30 लीटर फैट निकाल दो। तो एक तो 30 लीटर फैट निकल नहीं सकता, इट इज नॉट सेफ। दूसरी बात, 30 लीटर फैट निकाल भी दिया किसी ने, हम तो नहीं निकालेंगे, वो 30 किलो नहीं होता। तो ये आपको समझना जरूरी है कि क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है सर्जरी से। अगर आपका मकसद वेट लॉस है 10-15-20-30 किलो तो लाइपोसक्शन सर्जरी से वो नहीं अचीव हो सकता। अगर आपका मकसद अच्छी शेप क्रिएट करना है, आपका बहुत एक्सेस रेजिस्टिंग फैट है जो लूज नहीं कर पा रहे किसी बॉडी पार्ट से, चाहे एब्डोमेन से, पेट से, बैक से, ब्रा बोन्स होते हैं, थाइस होते हैं, आर्म्स होते हैं, नेक होता है, तो आप लाइपोसक्शन करा सकते हैं। आपका शेप बहुत अच्छा हो जाएगा, वेट लॉस भी होगा, बट वो बहुत ही माइनर बेनिफिट है। अगर इस टॉपिक पे कोई और सवाल है, कोई और क्वेश्चंस है तो आप हमें लिख सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा ऑफिस के नंबर इस वीडियो के नीचे भी लिखे हुए होंगे। मी एंड माय टीम विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू साइंटिफिकली। बिलीव इन साइंस, डोंट बिलीव इन मिथ्स, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू, टेक केयर, बाय।